देश में एक मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू राष्ट्र बनाओ। आज हिंदुओं को किससे खतरा है? आज हिंदुओं को खतरा है भाजपा के नेताओं से। आज हिंदुओं को खतरा है तो किससे है? इन बीजेपी वाले नेताओं से, जो हिंदुओं की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटने का काम कर रहे हैं। मतलब देश के एक छोटे से छोटे बच्चे को भी ये बात पता चल गई कि वो यहाँ पर पहलवान बैठे हुए, उनको समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए, एक 70 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि अभी तक यहाँ पर बेटियां बैठी हुई हैं। वो 70 साल का बच्चा अभी घूमने के लिए जापान गया हुआ है, ठीक है, और फिर जापान से आएगा तो आकर झूठे और हसीन सपने दिखाएगा। एक के कहने से क्या होगा ये बताइए ना आप मुझे। ब्रजभूषण शरण सिंह के कहने से क्या होगा? जो महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, महिला पहलवानों का होगा और साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह का होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कोई इतना बड़ा माफिया हो चुका है, आज की डेट में इतना बड़ा दादा हो चुका है कि देश के प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह हो गया या क्या हो गया है? एक बात आप मुझे बताइए, आज 30 दिन से ज्यादा हो गए देश की बेटियों को यहाँ सड़कों पर बैठे हुए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, खासकर देश की मीडिया और देश की सरकार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी का समर्थन आ रहा है, छोटे से छोटे बच्चों से लेकर बड़े से बड़ा हर एक आदमी आज यहाँ पर आ रहा है। ये देखिए, अभी मेरे पास में दो मेरे भाई बैठे हैं, छोटे पंजाब से आए हैं, और पूछे किसने आए बाबू यहाँ पर? पहलवानों के लिए आए हैं यहाँ पर। बाबू किस लिए आए हो? देखे पहलवानों के लिए लोग बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। आप ये सोचिए, बात आप मुझे बताइए, ये देश के इंटरनेशनल फकीर जिन्होंने पूरे देश को फकीर बना दिया, ये फकीर कहाँ है इस टाइम पर? और किस जंतर मंतर के फुटपाथ पे मैं अभी बैठा हूँ, ठीक इसी के पीछे एक डिस्को चलता था, सिलेंडर डिस्को। आज वो सिलेंडर डिस्को बंद हो गया है। वो सिलेंडर डिस्को इसलिए बंद हो गया, जब 10 रुपए सिलेंडर पे बढ़े तो यहाँ सिलेंडर डिस्को चलता था, लेकिन आज वो सिलेंडर डिस्को यहाँ नहीं चल रहा है। यहाँ से 2 से 3 मिनट की दूरी है पार्लियामेंट की जी। वो पार्लियामेंट के अंदर जब देश की जो मंत्री है स्मृति ईरानी जो हैं, उनकी बेटी के ऊपर आरोप लगाए गए, तो भैया स्मृति ईरानी बड़ी तेजी से गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हैं। मैं टीवी में देख रहा होता हूँ उस वक्त, अगर मैं उनके पास में होता तो मैं यही कहता हूँ उन्हें, एक गिलास पानी पी लो, कहीं आपका गला खराब ना हो जाए, इतनी तेजी से चिल्ला रही होती है वो। लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है, स्मृति ईरानी के मुंह पर ताला लग जाता है, क्यों नहीं बोलती हैं? अभी आज आप मुद्दा उठा दीजिए उनकी बेटी के बार का, स्मृति ईरानी तुरंत बोलने लग जाएंगी। लेकिन जब बात देश की बेटियों की होती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। कोई नेता कोई मंत्री आज बोलने को तैयार नहीं है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर कोई ब्रजभूषण खान होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होता, और हो सकता है कि देश में निर्भया के बाद दूसरी बार फांसी का प्रावधान भी हो गया होता। खान होता तो ऐसा क्यों होता? क्यों होता खान होता? खान होता तो इसलिए होता कि अभी अभी मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर सारे बीजेपी के नेता बैठे होते, धरना और प्रदर्शन कर रहे होते, ठीक है जी। इस देश के अंदर आज इतनी बुरी हालत है कि हाथरस के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, ठीक है जी, किसने किया आप सभी को पता है। एक बेटी की इज्जत और आबरू लूटी, किसने लूटी? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर। आज देश की बेटियों को बचाने की जरूरत है तो बीजेपी के एमएलए से है। वो लोग जो आज भी अंधभक्ति के नशे में चूर हैं, जिनके सर पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिनके दिमाग का आज सोचने की क्षमता खत्म हो गई है, मैं आपसे एक ही चीज कहता हूँ कि आप किसी भी दल किसी भी पार्टी को समर्थन करते हो, लेकिन अगर आपके घर में बहन है, अगर आपके घर में बेटी है, और अगर आपने वाकई किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, तो आपको यहाँ आकर अपनी देश की बहन और बेटियों का समर्थन करना चाहिए। जब ये खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया जाता है, तब तो ये भारतीय हो जाते हैं, और जब ये देश के खिलाड़ी इंसाफ की मांग करते हैं तब ये आंदोलन जाटों का हो जाता है, तब इनको जाट बता दिया जाता है। एक बात आप मुझे बताइए, सरकार ये दोहरा चरित्र कैसे कर रही है? दूसरी बात ये, आज देश के अंदर लोगों का मानसिक तौर पर लोग बीमार हो गए हैं। लोगों ने क्रिकेट के कल मैच के दौरान किस तरीके की हरकत करी, आपको सुनकर भी शर्म आएगी। कल क्रिकेट के मैच के दौरान एक खिलाड़ी है जिसका नाम है शुभमन गिल, सुनिएगा जरा ध्यान से, और ये कोई कौन निकाल रहा है यहाँ पर? कल कितने राजपूत भाई आए हुए और अभी भी यहाँ पर राजपूत भाई खड़े हुए हैं, कौन कह रहा है आपसे?
एक बात आप मुझे मेरी बात सुनिए, करनी सेना वाले, अरे सुन तो लीजिए, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं, जो थाली पड़ा हुआ है, ठीक है जी, आप उसे 500 का 200 रुपए भी दो, किसी भी रैली में आने को तैयार हो जाता है। अच्छा। किसी भी रैली में आने को तैयार हो जाता है। मोदी की रैली में कैसे आते हैं लोग, आपको नहीं पता क्या भाई साहब? ब्रजभूषण शरण सिंह पर लाखों करोड़ों खरबों रुपया है, खुद हेलीकॉप्टर में घूमता है वो आदमी, सोच कर देखे ना आप उस बात को। और बात यहाँ बेटियों के इंसाफ और न्याय की, अब बहुत सारे लोग यहाँ आकर पूछते हैं कि आप कब उठेंगे। देश की मीडिया पूरे दिन 24 घंटे रशिया को भी दिखाती है, आपको भी पता है, यूक्रेन को भी दिखाती है, पाकिस्तान को भी दिखाती है, क्या देश की मीडिया के पास शर्ट नीचे कर लो समय नहीं है? क्या देश की मीडिया के पास इतना भी समय नहीं है कि क्या वो देश के पहलवानों को दिखा सके? वो पहलवान जो भारत देश के तिरंगे का नाम पूरे विश्व में रोशन करते हैं, क्या उनको नहीं दिखाया जाता? मना कर दिया गया क्या मीडिया को? जी? मीडिया को मना कर दिया गया नहीं दिखाना है? देखिए मीडिया क्या है, मीडिया आज मोदी जी की दलाल है, मीडिया कॉरपोरेटरों के हाथ में बिकी हुई है, ठीक है जी। मैं आपको बता दूं, भगत सिंह जो थे, भगत सिंह सख्त खिलाफ थे पूंजीवाद के, और आज इस देश के अंदर पूंजीवाद ही स्थापित हो चुका है। बड़े बड़े कारपोरेटर्स ने इस देश के ऊपर कब्जा कर लिया है, वो बड़े बड़े कारपोरेटर ही हैं जो इस देश को चलाते हैं। और कारपोरेटर जापान से सारी खबरें दिखा रही है मीडिया, तो आप जापान के रहने वाले हो, हिंदुस्तान के? बहुत तारीफ हो रही, देख रहे भाई साहब मोदी जी क्या सबसे बड़े नेता बन चुके हैं। अच्छा मोदी जी, तो आप कितनी जगह घूम के आ गए, कितनी जगह विदेश में घूम के आए हो? आप मीडिया की बात कर रहे हैं, मैं उसी मीडिया की। अरे मीडिया तो मेरी बात आप फिर समझ नहीं, अगर कल को मीडिया ये कहेगी कि भैया ये गोबर नहीं है च्यवनप्राश है, चाट लोगे आप? चाट लोगे आप? बात हो रही उसका जवाब, मैं भी तो बात का जवाब ही दे रहा हूँ। आप कह रहे हो ना मीडिया पर दिखा रहे हैं, मीडिया पर अगर ये दिखा देंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर गोदी मीडिया ये दिखाएगी गोबर नहीं च्यवनप्राश है तो चाट लो। सच्चाई दिखाती है मीडिया, मीडिया सच्चाई दिखाती है। तो अगर 2000 के नोट में नहीं निकली नैनो चिप, फिर आपका क्या करूँ मैं हाल? बताइए आप मुझे, मीडिया सच्चाई दिखाती है, मीडिया सच्चाई दिखाती है 2000 के नोट में नैनो चिप? तो सर्वे किया सुधीर चौधरी ने, उसका सर्वेक्षण किया था सुधीर चौधरी, तिहाड़ का सर्वे करके आया, वो कम पड़ गया सर्वे? एक बार बीजेपी की सरकार तो जाए, उसके बाद आप देखिएगा कितने पत्रकार अभी तिहाड़ का रास्ता देखेंगे। अच्छा। बहुत सारा सर्वे होगा तिहाड़ का, होने तो दीजिए आप एक बार। नार्को टेस्ट के लिए तैयार तो हो गए, अब क्या अब क्यों नहीं जा रहे आप लोग? देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नार्को टेस्ट की बात करें, तो देश के प्रधानमंत्री आए तो ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर तो पहले भी बोल दिया है ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि प्रधानमंत्री एक बार मुझसे कह दें, मैं तो इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री देश में टिके तभी तो प्रधानमंत्री से बात हो। और कल जो आपने बात कही शुभमन गिल की, तो उस खिलाड़ी ने शतक जड़ दिया, शतक जड़ने के बाद लोग उसकी बहन के इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाकर उसके साथ रेप करने की बात लिखते हैं। आप सोच के देखिए हमारे देश के लोगों की मानसिकता कितनी खराब हो गई है। क्या इन्होंने किसी नारी की कोख से जन्म नहीं लिया? क्या इन्होंने किसी माँ से जन्म नहीं लिया? ये जो किसी बहन बेटी को ऐसा लिख रहे हैं, मेरे भी घर में मेरी माँ है, मेरे भी घर में बहन है। ये लोग जो सोशल मीडिया पे गाली लिखते हैं, अरे कभी अपनी बहन का चेहरा देखकर देखिए। अगर आप किसी बहन बेटी को गाली लिखेंगे ना, तो कोई आपकी बहन बेटी को नहीं छोड़ देगा, आपकी भी बहन बेटी को लोग गाली लिखेंगे, आपकी भी माँ को गाली लिखेंगे। आप किसी भी दल से समर्थन करिए, मैं ये कहता हूँ कि आप चाहे भले ही वोट किसी को डालिए, मोदी को डालिए, राहुल को डालिए, अखिलेश को डालिए, मायावती को डालिए, वोट किसी को भी डालिए, लेकिन बहन बेटियों के इंसाफ के लिए कम से कम यहाँ जंतर मंतर पर तो आइए। ये किसी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये देश की बेटियों का प्रोटेस्ट है। यहाँ वोट डाले नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कम से कम आपने किसी की माँ की कोख से जन्म लिया है तो यहाँ आकर बहन बेटियों को आकर अपना समर्थन दीजिए, सहयोग दीजिए। जय हिंद जय भारत।